नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकर। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के दर्शन, फिर देखेंगे आज के दर्शनों का समय और श्री गोकुलनाथ जी के वचनामृत, फिर श्री नाथ द्वारा के हालचाल देखने के साथ ही पुष्टि सृष्टि के उत्सव मनोरथों का अवलोकन करेंगे। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन कर लेते हैं। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी कुंज एकादशी का उत्सव है। उत्सव होने से आज श्रीजी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से लीपा जाता है। आशापाल की सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। पूरे दिन झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। गद्दल रजाई हरिसाटन की आती है। आरती सभी समय मंगला राजभोग संध्या आरती व शयन में थाली की जाती है। वही मंगला दर्शन पश्चात प्रभु को आज अभ्यंग कराया जाता है। आज का सेवा क्रम कुछ विशेष रहता है, जैसे कि गोपी वल्लभ में भोग में मेवा बाटी विशेष रूप से अरोगाई जाती है। इसके अलावा राजभोग के समय श्री जी के निज मंदिर में केले के वृक्षों, चंदन व आशापाल के पत्तों, आम्र मंजरियों एवं गुलाब के पुष्पों से कुंज के भाव की साज सज्जा की जाती है। प्रातः समय प्रभु को धराया गया मुकुट बदलकर पुष्प का अत्यंत सुंदर मुकुट धराया जाता है। इसके अतिरिक्त आज विशेष रूप से राजभोग समय गुलाल खेल के समय वेणु जी श्रीहस्त से कमर में धराई जाती हैं, जिससे श्री जी अपने दोनों हाथों से भक्तों पर गुलाल उड़ाकर उन्हें रस विभोर कर सकें और ब्रज भक्त गोपियां झपट कर उनकी वेणु जी न चुरा सकें। यद्यपि वेत्र जी खड़े ही रहते हैं जिससे प्रभु ब्रज भक्तों को घेर सकें। दूसरे एक विशेष सेवा क्रम के तहत श्री नवनीत प्रिया जी में राजभोग तक का सेवा क्रम अन्य दिनों की तुलना में कुछ जल्दी हो जाता है। अपने घर में राजभोग अरोगने के उपरांत श्री नवनीत प्रिया जी बगीचे के रास्ते श्री जी में पधारते हैं, जहां प्रभु श्री लाडले लाल श्री जी के साथ कुंज में विराजित हो राजभोग के दर्शन देते हैं और गुलाल व अबीर से खेलते हैं। पिछवाई को गुलाल से पूरा रंगा जाता है और उस पर अबीर से चिड़ियाएँ मांडी जाती हैं। श्री जी की दाढ़ी में आज 5 बिंदी लगाई जाती हैं। प्रभु के सम्मुख 4 पान के बीड़ा की सिकोरी रखी जाती है। आज गुलाल अबीर का खेल अन्य दिनों की तुलना में अत्यंत ही भारी होता है। वैष्णवजनों पर भी गुलाल पोटली से भरकर भारी मात्रा में उड़ाई जाती है। राजभोग के दर्शन पश्चात श्री नवनीत प्रिया जी अपने घर पधार कर पुनः गुलाल खेलते हैं। वहीं प्रभु श्रीनाथ जी अनोत्सर भोग में उत्सव भोग अरोकते हैं, जो कि उत्थापन के शंखनाद पश्चात सराहे जाते हैं। इन उत्सव भोग में विशेष रूप से केसर युक्त चंद्रकला, मूंग की दाल के गुंजा, उड़द की दाल की कचौरी, दही वड़ा, केसर युक्त चावल की खीर, दूध घर में सिद्ध मावे के पेड़ा, बर्फी, दूध पूड़ी, मलाई पूड़ी, केसरी बासुंदी, जीरा मिश्रित दही, केसरी सफ़ेद मावे की गुंजिया, तले हुए बीज चालनी के सूखे मेवा, विविध प्रकार के संधाना जिन्हें अचार कहा जाता है उनके बटेरा, विविध प्रकार के फल फूल शीतल आदि अरोगाए जाते हैं। आज के इस उत्सव के साथ ही श्री जी में निकुंज लीला का प्रारंभ हो जाता है। इसी कारण इस एकादशी को कुंज एकादशी कहा जाता है। व्रज के 12 वन एवं 12 उपवनों के भाव से वर्ष में केवल आज श्री जी के निज मंदिर में कुंज बनाया जाता है। आज से डोल तक श्री जी में श्री गुसाई जी कृत अष्टपदी के कीर्तन के स्थान पर डोल के पद ही गाए जाते हैं। संध्या आरती में प्रभु का मुकुट पुनः बदलकर पुष्प का अत्यंत सुंदर मुकुट धराया जाता है। प्रभु को आज वस्त्रों में केसरी चौखाना वस्त्र का सूथन एवं छोटी काछनी, वहीं चौवा की बड़ी काछनी एवं चोली धराए जाते हैं। केसरी चौखाना का गाती का पटका भी धराया जाता है। सभी वस्त्र रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होते हैं।
ठाड़े वस्त्र सफ़ेद जामदानी अर्थात लट्ठा के धराए जाते हैं, वहीं वस्त्रों पर अबीर गुलाल आदि को छांट कर कलात्मक रूप से खेल किया जाता है। प्रभु के कपोल पर भी गुलाल अबीर लगाए जाते हैं। अत्यधिक गुलाल खेल के कारण वस्त्र लाल प्रतीत होते हैं। वहीं सजावट के तहत राजभोग में प्रभु को आज भी सफ़ेद मलमल की सादी पिछवाई ही धराई जाती है, जिसके ऊपर गुलाल व अबीर से भारी खेल किया जाता है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की जाती है। श्रृंगार में श्री जी को आज वनमाला का चरणारविंद अंग का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। मीना मोती तथा जड़ाव सोने के मिलवा सभी आभरण धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर मीनाकारी की टोपी एवं पुष्पों का अद्भुत मुकुट एवं बाईं ओर शीशफूल धराया जाता है। श्रीकर्ण में मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। बाईं ओर उत्सव की मीना की शिखा अर्थात चोटी धराई जाती है। श्रीकंठ में दो माला अक्का जी की, एक चंद्रहार, डोरा, हमेल आदि धराए जाते हैं। लाल गुलाब एवं श्वेत पुष्पों की, विविध पुष्पों की थाग वाली दो सुंदर माला जी धराई जाती हैं। चंदन के पत्तों एवं गुलाब के पुष्पों की सज्जा वाला चौकटा पीठिका पर धराया जाता है। श्रीहस्त में पुष्प छड़ी, सोने के वटदार वेणु जी, दो वेत्र जी धराए जाते हैं। पट चीड़ का गोटी चांदी की व आरसी बड़ी डांडी की दिखाई जाती है। भारी खेल के कारण सर्व श्रृंगार रंगों से सराबोर हो जाते हैं। प्रभु की छटा अद्भुत प्रतीत होती है। श्री नवनीत प्रिया जी भी स्वर्ण के मुकुट को धराए श्री जी की गोद में विराजमान होते हैं। वहीं संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्रीकंठ के आभरण, दोनों काछनी, मुकुट, टोपी व पटका बड़े किए जाते हैं व चौवा के घेरदार वागा धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर गोलपाग व लाल तनी के ऊपर सुनहरी लूम तुर्रा धराए जाते हैं। श्रीकंठ में छेड़ान के अर्थात छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। प्रभु की कीर्तन सेवा के तहत आज शयन में सन्मुख भी मान अथवा पोड़ने के पद नहीं गाए जाते हैं। शयन में आपके समक्ष डोल के व गाली के पद ही गाए जाते हैं। ऐसी भावना है कि प्रभु सारी रात कुंज में रस रूप होली खेलते हैं। प्रभु की इस गूढ़ लीला के भाव जानने के लिए गुरु की शरणागति ही सर्वोत्तम उपाय है। अत्यंत रसमयी इस लीला का यह उत्सव है। आज भी प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शनों का समय लगभग यही रहेगा। आइए अब देख लेते हैं श्री गोकुलनाथ जी के वचनामृत यात्रा के संदर्भ में क्या संकेत देते हैं। आशा पूर्ण होए, सौभाग्य पावे, कामना सिद्ध होए, यह संकेत हैं श्री गोकुलनाथ जी के वचनामृत के आज के यात्रा के संदर्भ में। अर्थात शुभ संकेत हैं, आज यात्रा करना शुभ कर है। दोस्तों, कल प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में बारिश, आंधी, तूफान का मौसम रहा। मौसम में पुनः ठंडक प्रसर गई है। इसके साथ ही ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये नाथद्वारा मंदिर के मोती महल के हैं। वेंकटेश प्रभु के भक्त दक्षिण से यहाँ दर्शन करने आए, वे अभिभूत नजर आए। आइए सुनिए। स्वामी का नाम है, हम लोग 50 लोग पंचद्वार का दर्शन के लिए आया हूँ। हम लोग बहुत खुश हो है, इतना श्रीनाथ जी में इतना व्यवस्था बढ़िया है। Came here to see North Dwaraka. They made all the arrangements. We have seen him in a very, very excellent. यह दृश्य प्रभु द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली के हैं, जहां पर स्वांग बने बच्चे प्रभु के समक्ष नृत्य कर उनको आनंदित कर रहे हैं, रिझा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कल प्रभु द्वारिकाधीश में गुलाल कुंड का मनोरथ हुआ था, जिसके यह दृश्य हैं जो आप देख रहे हैं। अति सुंदर सजावट के साथ बड़ी संख्या में वैष्णव एवं स्थानीय दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए उमड़े थे। दर्शन करके सभी आनंदित नजर आए। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह भोपाल स्थित श्रीनाथ जी मंदिर के हैं, जहाँ कल बगीचा मनोरथ हुआ एवं फूल फाग का उत्सव मनाया गया। देखिए वैष्णव कैसे झूमते दिखे। आए मन 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 आए
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, देखते रहिए दिव्य शंखनाद।